मेरे भैयाजुल हिजा के हवाले से चंद एक जरूरी बातें मैं जिमन अर्ज कर दूँ कि सही मुस्लिम में ऊपर तले तीन हदीसें हैं इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक फाइव डबल वन सेवन से फाइव वन टू तक और मिश्त में भी मौजूद है वन फोर फाइव नाइन और फवाद अब्दुल बाकी वाली जो मुस्लिम की तरकीम है ना उसमें वन नाइन डबल सेवन है ये फवाद अब्दुल बाकी ने बड़ा मसला खराब किया है मकबा तो शामला में भी चल रहा है वो जब एक तरह के मुख्तलिफ अहदीस के तुर्क आते हैं ना तो वह सबको एक नंबर दे के बटों की नंबरिंग चलाते हैं अब ये देख लें आप सात तुर्क हैं फाइव डबल वन सेवन से फाइव वन टू थ्री तक कॉन्टिन्यूस नंबरिंग में लेकिन फवाद अब्दुल बाकी ने इन सात के साथ को एक ही नंबर दिया वन नाइन डबल सेवन इसीलिए उस सही मुस्लिम में टोटल अहदीस हैं तीन हजार तैतीस थ्री जीरो डबल और जबकि कॉन्टिन्यूस नंबरिंग वाली जो ने तो हर दोनों छाप जिसका पी और इस्लाम थ्री में कॉन्टीन्यूस नंबरिंग है वन से सेवन थाउजेंड फाइव तक वो टोटल हदीस उसमें सात हजार पाँच सौ तिरसठ है जिसमें रेपिटिशन के नंबरिंग को एक कर दिया उसमें थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री है ये मैंने आपको जमनम बता दिया इस्लाम थ्री सिक्सटी में भी आपको कॉन्टीन्यूस नंबरिंग ही मिलेगी और पी भी उसी पे है छह जिल्दों वाला तो ये जो हदीस है सही मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला ने फरमाया जो इसका मैंने हवाला दिया कि जब जुल्हिजा का पहला अशरा शुरू हो और तुम में से कोई शख्स उसको पाए जुल्हिजा का चांद देखे और वो कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो कुर्बानी होने तक अपने बालों और नाखनों को ना कटवाए ना अपनी खाल से कोई चीज उतारे कोई बाल रिमूव नहीं कर रहे ना कोई दाढ़ी वाला मामला ना मुछों वाला मामला इसलिए आप देख रहे हैं मेरी मुछे भी बड़ी हुई हैं ठीक है ना दाखनों वाला मामला करना है ना जेर नाक बाल का ना बगलों के बाल का ये दस दिन के लिए जो कुर्बानी का इरादा रखता है जब तक कुर्बानी ना कर ले सैदा उम्म सीन रदील्ला वसलाम्लाज ने यह रवायत की है इसी कॉन्टेक्सट में एक और हदीस है जो तोहवतन आप ले जाए सुनबी दाऊद में टू सेवन एट नाइन सुनन निसाई में फोर थ्री सेवन जीरो और मिशकात में भी है वन फोर सेवन नाइन भाई ये मिशकात को पकड़ लें मसला मेरा है एक सौ ग्यारह बी मिशकात के मुकम्मल तारों पे मैंने बुहारी मुस्लिम के तारों पे लेक्चर नहीं दिया क्योंकि वो सब कुछ इसमें कवर है मिशकात में इसमें नंबर है वन फोर सेवन नाइन और यह दीस इमाम हाकिम ने भी सही कहा इमाम जाहबी ने भी मवाफ़त की इमाम इबन अबान ने भी सही कहा शेख ज़ुबैली साहब ने भी सही कहा इस अदीस को कि आप सल्ला ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि कुर्बानी के इस दिन को उम्मत के लिए ईद करार दे दूँ एक सयाबी ने अर्ज़ किया यार रसोल्ला सल्ला वम मेरे पास एक दूध देने वाली बकरी है और वह भी मुझे किसी ने गिफ्ट की है मैं गरीब हूँ खुद बस उसका मैं दूध के नहीं इस्तेमाल करता हूँ तो क्या मैं उसे अल्लाह की रहा में कुर्बान कर दूँ अल्लाह पर आप जज्बा देखें साढ़े वर्गा होता ना तो वो पहली कंक्लूड कर लेना मैं ते गरीब है जरूरत ही कोई नहीं हाय 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 यही मेरे भाई फिर सियाबी तो सियाबी है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे ज़बा मत करो उसे ज़बा मत करो तुम ईद के दिन अपने बाल नाखून और मूछें काट लेना और ज़ेरे नाफ बाल मुंड लेना अल्लाह के यहां तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी लिखी जाएगी सुबह यह है अल्लाह तला की रहमत इसमें है फिर के जिसने कुर्बानी नहीं भी करनी ना वो भी इन दस दिनों के अंदर ये बाल साफ ना करे नाखून ना, ना कटवाए अगर कटवा भी लेता है तब भी इसमें चूंकि अल्फाज इस तरह की कैद कोई नहीं मैं इजहाद कर रहा हूं तब भी ईद वाले दिन वो ये बाल गैर जरूरी साफ करे और नाखून काट ले अल्लाह उसको एक कुर्बानी का सवाब इंशाला अता कर देगा लेकिन ये याद रखें ये सारी चीजें सुन्नत है कुर्बानी वाले बंदे के लिए भी ये सुन्नत है अगर उसने गलती से बाल काट लिए या जानबूझ के भी काट लिए तो वो हराम का मुरतकब नहीं होगा ना दम वाजिब होगा मुझे तो लोग ई पे ये भी पूछ रहे होते हैं कि दम तो नहीं वाजिब हो जाएगा एक कुर्बानी कुरबानी देखिए एक और कुर्बानी दे जाए वो दम वाला मामला जो है वो अहराम की हालत में हाजियों के लिए होता है ये उनकी हाजियों की सिर्फ नकल उतारी गई है उनके साथ मुशाभत पैदा की गई है इस वजह से एक सवाब वाला काम है अगर कोई मतलब नहीं करता गुनागार नहीं होगा